Hello friends, tears and sweat are complementing each other. The tears of agony will bring sweat of hardship and ultimately which brings tears of success. जी हाँ दोस्तों, मेरी जो आज की वीडियो है वो डेडिकेटेड है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए who are appearing into their board exams. बच्चों, बहुत क्रूशियल पीरियड है, मुझे पता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. डरना नहीं है, पढ़ना है. तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में. मैं कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए जो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप कर सकती हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो रहता है कि प्रेशर रहता है एक जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि यू आर नॉट यूज टू दैट कि आपका एक्सपोजर पूरे नेशनल लेवल पे हो रहा है जहाँ पे पूरे देश के स्टूडेंट्स आपके साथ सेम एग्जाम लिख रहे होते हैं. टेंशन रहती है क्या सिलेबस में आएगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, कौन हमारा एग्जाम चेक करेगा. बट नेवर द लेस बिफोर अपीयरिंग इन टू बोर्ड एग्जाम्स यू हैव एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस. आपके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है एग्जामिनेशन में बैठने का. तो ये जो तीन चार क्वेश्चन आते हैं वो आपको आंसर अपने आप मिलता है. ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इट इज एज गुड एज अदर एग्जाम्स, बट उसका जो प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट हो गया. उसके बाद जो दूसरी चिंता रहती है, व्हाट नेक्स्ट, हम बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे क्या. सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरह का प्रेशर रहता है कि यार इसके बाद करना क्या है. डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, सिंगर बनना, सीए करनी है या किसी और फील्ड में जाना है. दोस्तों, प्रेशर नहीं डालना. एक सिंपल आपको ना सिंपल एनालॉजी देता हूँ. हम लोग जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो अगर मेन्यू देखते हैं तो देर आर मल्टीपल आइटम्स, पर हम सब पे टिक नहीं करते हैं. हम सिलेक्टिव होते हैं, भैया दिस इज माई लाइकिंग, आई विल गो फॉर इट. लाइक वाइज आपके दिमाग में जो बनना है, आपने जो आपकी इच्छा है, जो आपका डिज़ायर है और जिस पे आप खड़े उतर सकते हो अपनी स्किल लेवल को लेके, आपका फोकस वहीं होना चाहिए. दिस इज लाइक ए प्रीलिम एग्जाम फॉर यू विच इज कॉमन फॉर एवरीवन. आई थिंक बोर्ड एग्जाम में ना एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि बच्चों, इस लेवल पे आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलता है, एक ऐसा लेसन मिलता है जो आने वाले सालों में आपके लिए बहुत काम आता है. जैसे कि दिस कंपटीशन विल हेल्प यू to expose yourself globally or at national level. पता लगता है कि हाँ भैया, एक 60-70 स्टूडेंट की क्लास के अलावा भी लाखों लोग और हैं जो आपकी तरह इस कंपटीशन में हैं. आपके ना एक बेसलाइन सेट हो जाती है इससे. अब मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करता हूँ जो आपको गांठ बांध लेनी है इन दिनों में. सबसे पहले अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए. दूसरा, अपने जो वॉच आवर्स हैं, चाहे वो टीवी है चाहे मोबाइल है, उसको कम कर दीजिए. तीसरा, हेल्दी डाइट खाइए. चौथा, स्लीप वेल. अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बेटर रहेगा तभी आप फोकस कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे अपनी स्टडीज के ऊपर. ये तो हो गए जो आपके कंट्रोल में है. अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस एग्जाम में. सबसे पहले आपके पेरेंट्स, मैं हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी सारी बातें मान लो भाई, क्योंकि वो भी इस फेज से गुजरे हैं लाइफ में. दूसरा, आपका जो भी फेवरेट टीचर है या जो भी आपके टीचर हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने में आपकी हेल्प की, प्लीज़ उनको भी ड्यू रिगार्ड्स, ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए. कोई डाउट हो तो यू कैन डायल बैक टू देम. तीसरा, यू मस्ट बी हैविंग सम फ्रेंड्स, सम रिलेटिव, सम कजन्स जो रिसेंटली इस फेज से गुजरे हैं, मे बी यू कैन क्विकली डायल बैक टू देम ऑल्सो. तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमाइटी गॉड. जी हाँ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. देख रहे भाई, चीटिंग नहीं करनी भाई. नंबर थोड़े कम आ जाएंगे चलेगा, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, कंडक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए. आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और
विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और आशा करता हूँ यू ऑल विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. ऑल द बेस्ट. लेट्स रॉक.